दफा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम चिकन विद टोमेटो सॉस एंड चेरी टोमेटोज बनाने लगे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। हड्डी वाला चिकन मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत बड़े साइज की बोटी नहीं करवाई, नॉर्मल साइज की बोटी है। मेरे पास चेरी टमाटर है तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन इसी के साथ इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। ऑयल चाहिए होगा हमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चिकन की भुनाई के लिए हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। टोमेटो पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 4 टमाटर थे जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया, छिलका उतार के और उसकी पेस्ट बना रही। सब्ज़ धनिया चाहिए होगा हमें थोड़ा सा, इसके साथ ही सब्ज़ मिर्ची हैं, ये मेरे पास वो वाली सब्ज़ मिर्ची हैं जो कड़वी नहीं होती, तो मैंने ली हैं बड़े साइज़ की थी, 3 अदद ली हैं जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया। अगर कड़वी हो तो आप बीज में से निकाल दें, लेकिन ये कड़वी नहीं थी तो इसलिए मैंने इनके बीज जो है वो नहीं निकाले। मसाला चाहते हैं, मुझे चाहिए होगा सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर मुझे चाहिए होगा 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून ही, हमें अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टीस्पून, जीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और मेरे पास सुरख मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून है मेरे पास, और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इन्हें बनाने की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ऑयल, हमें चूंकि इसकी भुनाई करने के लिए ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, बल्कि घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये हो गया, तो अब मैंने इसके अंदर डाल देना है चिकन। चिकन के साथ ही मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। अच्छी तरह से मैं साफ करना है क्योंकि रिस को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से साफ करूँगी। अब हम करेंगे इसकी भुनाई। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चिकन है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसी के साथ मैं इसकी भुनाई करूँगी। इतनी देर हमने इसको भूना है कि चिकन का जो कलर है ना वो पिंक से वाइट की तरफ हो जाए। आप चाहें तो इसे मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसको जो गलने का टाइम है ना वो फिर ज़्यादा होगा। तो मैं इसकी भुनाई करूँगी और हमने लो आंच पे इसकी भुनाई नहीं करनी, तेज़ आंच पे करनी है ताकि चिकन जो है उसका पानी ना निकले। जब तेज़ आंच पे करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हुए, हल्का हल्का सा ये वाइट की तरफ चला गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने मसाला जार, हल्दी, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया का पाउडर। सिर्फ मैंने जीरा और गरम मसाला भी नहीं डाला, बाकी इसके अंदर स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अब भुनाई करते वक्त हमने इसके अंदर मिर्च डाली है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिर्च जो है जले ना, अगर मिर्च जल गई ना तो इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाना है। तो मेरे पास अब टमाटर की जो पेस्ट पड़ी थी ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो। एक सफाई से मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से और अब मैं इसे कवर करूँगी लो आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से ना। तो 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट हुए मुझे दम दिए हुए, अब हम देखते हैं। टमाटर का जो पानी था ना वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला था टमाटर में, लेकिन फिर भी टमाटर के अंदर अपना थोड़ा सा पानी होता है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, ज़ीरा और गरम मसाला दोनों चीज़ें ऐड कर दूंगी, और उसके साथ ही जो हमने टमाटोज रखे थे वो। कढ़ाई तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी और डिफरेंट तरीके से बनाई होगी, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको मज़े की लगेगी। तो अब हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ये मिक्स हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी मैं इसमें बचाऊंगी जो कि मैं गार्निशिंग के लिए आखिर में डालूंगी,
और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर सब्ज धनिया डाल देना है। सब्ज धनिया भी मैंने थोड़ा सा बचा लेना है। इसे एक दफा हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और हम इसे लगा देंगे अब दम। तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे दम लगाएंगे ताकि जो टमाटर हमने डाले ना बिल्कुल आखिर में वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं कि रेडी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए टमाटर भी नरम हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो इस तरह से ये डिफरेंट सी रेसिपी आप इसे बनाएंगे ना तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। स्पेशली जब ये टमाटर मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ग्रेवी भी कितनी ज़बरदस्त बनी है। जो हमने पेस्ट डाली थी ना टमाटर की, ये सारा उसी की वजह से है। तो मैं सारा ही इस तरह से डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।